करने की भी आवश्यकता हो। तीर्थों में बच्चे दुलाए थे, शिवाजी महाराज कहते थे बिना बजाने की कोठी में कोई स्मारक बने, और कल्पना यह है कि महाराष्ट्र किया, कल्पना यह है कि ऐसा स्मारक बने जो आगरा आए और आजकल से पहले शिवाजी महाराज का स्मारक बने। शिवाजी महाराज हमारे शौर्य के प्रतीक है, इस देश के साहस के प्रतीक है, हिंदुत्व के प्रतीक है। इतना बड़ा चैप्टर आगरा से जुड़ा हुआ होगा कि उस समय की सबसे ताकतवर औरंगजेब, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी औरंगजेब, सबसे ताकतवर उसकी सत्ता, उसके मुंह पर थप्पड़ मार के निकला वो व्यक्ति, उसकी जेल तोड़कर एक बूंद खून नहीं बहा पाए, निकल गए। इतिहास मुझे ऐसे को शिवाजी कह रहा है, मैं कहता हूँ स्लैब ऑफ शिवाजी था पड़ता शिवाजी का औरंगजेब के मुंह पर क्यों निकल कर रहे थे। औरंगजेब अपने भाव में लिखता है जिसका औरंगजेब नामा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जो उस समय शिवाजी निकल गया, क्योंकि उसको लड़ते लड़ते भी क्या पूरा बढ़ावा कर गया, लेकिन शिवाजी के दर्शन को जीत नहीं पाया, उनका स्मारक नहीं था, वो बनना चाहिए उसके लिए लगे, उससे पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, पान वाले से बीड़ी वाले से लेकर रिक्शे वाले से लेकर सभी होटल वालों तक बिजनेस मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा आगरे में, और हमारा शौर्य का प्रतीक होगा आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को प्रेरणा देने के लिए। ये इसमें लगे रहे योगी जी ने परमिशन दे दी है, महाराष्ट्र के लोगों ने भी कहा हम योगदान देंगे इसमें। ज्ञान मंदिर में महाराज 27 दिसंबर 2021 को मैं था, मैं 2 साल पहला था। तो इसके बाद आप लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है आगरा में और विकास हो, नक्शा निष्ठारक खुलने की प्लानिंग है, साइंस पार्क खुलने की प्लानिंग है यहाँ पर, जब नक्षत्रशाला साइंस पार्क खुलेगा तो लोगों को ज्ञान वृद्धि होगी, आगे लोग देखने आएंगे, पर्यटन को भी बढ़ेगा, लोगों का यहाँ के लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। मैंने डी एम आगरा को अपने डिपार्टमेंट से लिखवाया है कि देखिए कोई जमीन एक विधान होगा, एक विधान होगा 370 रुपये की कल्पना, फहराने वाले हाथ लेने वाले मिलेंगे, आज कश्मीर फहराया है। इसलिए लड़ाई इसलिए दादू बन जाए, भतीजा बन जाए, मेरी भौजी बन जाए, ये प्रभाव एमपी एमएलए हमारे चाय प्रधानमंत्री तो ये स्थापना करने राजनीति थी जिसको हम लोग करते हैं, भगवान ने ईश्वर ने मदद करी, हम लोगों ने पार्टी के लोगों ने पूरा किया। अभी तक जब नजर मिला हुआ है सचालक महोदय ने भी भावी रख रहे थे, अरे जब यह चुनाव लड़ा उससे पहले भी आगरा की स्थिति मांग थी, अकबर के समय से यहाँ पानी की समस्या थी, एक एक बूंद पानी की तरह से थे लोग, पहले हमने गली गली सफर लगवाए, लेकिन उस समस्या का निदान नहीं था, परमानेंट निदान चाहिए था,
पानी की आवश्यकता खाद पानी से कम पानी तक तो होती है। उसे लोग कहते थे कि पहले आप हवाई अड्डे के लिए लड़िए, मैं कहता हवाई अड्डे के लिए लड़ना मुझे लड़ना है दलियों के लोगों के लिए जो पानी के लिए हवाई अड्डे के लिए कितने लोग आ रहे हैं, 2% 3% लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। पानी सबको चाहिए, मेहनत की जुलूम से काम किया और खाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और पटवारी ड्रेस बदल बदल कर कम से कम 10-12 घंटे घूमना पड़ा, थोड़ा शौक था उनको और फिर भी धीरे धीरे पूरे पास आ गए। वो 2.5 घंटा ऐसे कार्यकर्ता हरे के पास है तो उन कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित होना चाहिए, कभी 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 याद कर लेना चाहिए जिससे उनको लगे कि उनके वर्क का कंडीशन पार्टी होते हैं। तो मैं चाह रहा था कि सब लोग आए, काफ़ी कुछ आए भी होंगे, लेकिन जो एक संख्या होनी चाहिए उस दृष्टि से संख्या यहाँ पर काम होगी, क्योंकि जिस प्लानिंग को दिया है उस प्लानिंग से कम मिनिमम 800 और मैक्सिमम 1000 लोगों की संख्या होनी चाहिए ऐसे कार्यकर्ताओं की जो हाथ में पोलिंग मशीन करते हैं, पर्ची बांटते हैं, पर्ची बनाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, हाथी को डालने के लिए आजादी कपड़े बड़े उनका काम एक उनका शौक होता है काम को बना सकते पन्ना प्रमुख है सब लोग। तो मित्रों इन सब का एक मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता था, आभार व्यक्त करना चाहता था, मिलना चाहता था, क्योंकि आपके दुआओं से आपके स्नेह से बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जब बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है तो फिर पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जाना पड़ता है, डिपार्टमेंट भी बड़ा है, काम भी बड़ा है और पढ़ने वाला है डिपार्टमेंट। एक PWD डिपार्टमेंट है, थोड़ा बनानी है ठीक है, बताया तो दसवीं की जाओ या तो यूनिवर्सिटी बनानी है उसके नियम देखने हैं और स्मृति बनानी है, दीपावली बनानी है, ये सब तो बिना पढ़े कुछ नहीं होता। 3 महीने तक मुझे पहले पढ़ना पड़ा और सुबह 6 बजे उठने पर खाना पड़ा। इसलिए आपको समय यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करो, लेकिन आप सब अपनी बात नहीं चले कि आप सब लोग बात है, इसलिए आप सब क्षेत्र में लोग बात है हमारे दोनों बेटे सहयोग करते हैं, जब कभी जनता आती है PRO है CRO प्रजापति को करता है, श्रीमती जी करती हैं, अपने सभी मंडल अध्यक्ष हैं, ये सब लोग सक्षम हैं और मैंने इलाके सब थानेदारों को कह दिया कि हमारा नगर अध्यक्ष यदि आपके पास आता है जिसे आप नहीं कह सकते ना कि उनके पास जा रहा है सपने में नहीं सोचते थे कि सरकार बनेगी, हम बनेगी सोचना भी सरकार भी भाजपा की बनेगी यह भी नहीं सोचा, लेकिन राजनीति करते थे, सत्ता की राजनीति नहीं करते, कांग्रेस को भी करते थे। उस समय कांग्रेस का वचन पूरे देश में जा रहा है, भाजपा की हमने विद्यार्थी परिषद में जो हमारे राष्ट्रीय संगठन संगठन था छात्र संघ ने उससे शुरू किया और आप लोगों ने कार्यकर्ताओं को मिलेगा क्यों किया, क्योंकि विचारधारा जो हिंदुत्व की विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा थी उसका उस समय की राजनीति में कांग्रेस की राजनीति में अभाव दिखता था, उसको स्थापित करना था, इसलिए हम लोग मान रहे थे कि लालच ले रहे थे सत्ता का लोभ होगा सत्ता का मद हासिल होगा, ये नहीं राजनीति किस लिए कर रहे थे। और हमारे पुराने विजय जी गवानिया जी रावत जी सावा जी रोहिणी जी और बड़े लोग थे
जिसकी उस समय में खुदाई करते 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 आप लोगों की मेहनत करते करते आज मुझे आ गया कि हमारे विचार धारा स्थापित के लिए उस समय जो हम मांग करते थे आज पूरा करते हैं। उस समय कितने काम होगा हमारे लिए सुनने के लिए बनाई गई जहाँ काम नहीं चल रही जहाँ मंदिर नहीं बनाई गई लड़के नहीं गए साहब बहुत दिन में जेल में साहब क्या करेंगे आज हमारे लिए तो सत्ता बनाए हो काम कर भक्त बन के बनाए हर भारतवासी का सत्ता पूरा हुआ है पूरे दुनिया के हर हिंदू का सत्ता पूरा किया है ये हम लोग हैं भारत से सत्ता एक निशान एक विभाग इसका सत्ता देते थे तो एक देश में दो विभाग दो निशान दो विभाग नहीं चलेंगे जहाँ पूरे परिवार में बंदी ये नारे लगाते थे कि अगर आप अब उधर तो सुन जाता था जयपुर आउट मारे भाई साथी के रूप में साथी के रूप से आ गया था साथी के रूप में पहुंचा तो देखा एक व्यक्ति अपनी जिप्सी में बोतल भर कर लाया छोड़ा और कुछ बोतल पहले से पहुंचा चुका हूँ लेकर चला गया मैं नहीं जानता था मैं समझ किसी विपक्षी पार्टी का क्या करता होगा चले गए अगले स्टेशन पर जाना था फिर चुनाव आया सांसद का 2016 फिर मैंने देखा उस व्यक्ति को थोड़ी देर में खड़ा आया उसने वोटर को लाया एक टीम ले गया फिर लाया मैंने कहा इसका क्या करता है और 15-20 दिन बाद आप लोग कर गए उसके काम का रिकॉग्निशन उसको मिला उसको घर पर मिला कि विधायक की तुम घर आए धन्यवाद देने उसको भूल जाते हैं ऐसे कर तो मैं ये कह रहा था कि हम सब लोग अगर वो लिस्ट नहीं बनाएंगे तो बना के रखे जो पंडित की चाल है और उनके पास एक डायरी कर दो जब कभी ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो उन लोगों को जरूर याद रखें जो आखिर दिन काम करते हैं सभी काम करते हैं आप सब लोग काम करते हैं आखिरी दिन भी काम करने वाले भी लोग एक और उदाहरण जो हमें सही है कि जब हम चुनाव लड़ते थे आपने शिकायत करता थे इनका काम ही तीन चार दिन और अगले दिन लगा दिया नहीं तो दूसरे चुनाव तो हमारे साथ एक जो आगरा कैटरिस वाले अशोक बोल रहे थे वो एक दिन पहले आते थे लोग से पूछते थे कितने कार्यक्रम आए कल कितनों का होने चाहिए मैचों का होने चाहिए वो उससे 20 पैकेट ज़्यादा भेजते हम ले आज करवा नीचे बैठे पार्षद सती शिव कुमार आज सती आए हैं पार्षद सती मोदी समस्त उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं मात्र शक्ति आप लोगों के स्नेह और प्यार के कारण आपके प्राण अर्पण जुड़ने के कारण मैंने पहला चुनाव आप लोगों ने मुझे जिताया 23,000 वोटों से दूसरा चुनाव जिताया 52,000 वोटों और तीसरा चुनाव थोड़ा टिपिकल हुआ जो समीकरण बन रहे थे प्रत्याशियों के
मेरा ऐसा समझ रहे होंगे पॉलिटिकल लोग जो प्रत्याशियों के समर्थक और समर्थक समीकरण कर रहे थे कांग्रेस के बसपा के सपा के प्रत्याशी थे उनके आधार पर विरोधी कह रहे थे अब आया है वो पार के लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था हिमालय पर्वत पर कैसे हमारे कार्य करता है और हिमालय पर्वत के नीचे कोई भी पहाड़ हो बड़ा होगा आप लोगों से मिल सकता है सभी ने और लोगों ने 57,000 लोगों से जीत हासिल हुई और लोगों के मुंह बंद हुए लोग तो इस कार्यकर्ता की शक्ति को भी पहचानते थे इसलिए कह रहे थे कि अब आया वो पहाड़ के नीचे ये हिमालय जैसी शक्ति इसके पर्वत के आगे सत्ता मुझे आप सबका आभार व्यक्त करना है लेकिन आपका स्नेह और एक दिल की आवाज से पिछली बार कई कार्यकर्ता आपके सम्मुख कहते थे भाई साहब आपको मंत्री होना चाहिए हमने कहा जो जिम्मेदारी पार्टी का नेतृत्व दे हमें उसे बखूबी निभाए बस करिए हमारा कर्तव्य है उसके बाद पार्टी नेतृत्व में मुझे एक अहम जिम्मेदारी आपकी दुआओं का फल था क्योंकि हर कार्यकर्ता जो आता था चाहे शिव कुमार जी आते हो जाए पंकज जी आते हो जाए सतीश जी हो जाए अपने बैठे हैं भाई खान से त्रिखा जी और सफल जो भी है सब मंत्री बनने से रहेगा हमें फुल बात जो जिम्मेदारी है उसको करना है नेतृत्व तो अपने आप देखता है और इस पार्टी की खूबी है क्योंकि परिवारवादी पार्टी नहीं है ये वंशवादी पार्टी नहीं है ये कार्यकर्ता की पार्टी है यहाँ तक चाहे देश के बाहर भी प्रचार कर सकता है और मंदिर मुझे आप लोगों के स्नेह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली जो पिछली बार के 20 प्रसाद के पास थी और बड़ा विभाग है बड़ा काम 60% मेरा जीवन काम में बीता 40% में ऑफिस वर्क नहाना पूजा करना सोना जो कुछ है वो 40% में 60% कार में आप समझ लीजिए कितना भाग लिया होगा काम मैंने उसमें जब पिछले डिप्टी सी एम जो थे अपने गणेश जी में एक भाग था मैंने कहा भाई साहब आप मैनेज कैसे करते हो क्योंकि बड़ा टाइम सर जॉब है तो बोले मैं डिप्टी सी एम तो मैंने कहा तो क्या हुआ अरे डिपार्टमेंट में था तो बोले मेरे पर डिप्टी सी एम होने के नाते हेलीकॉप्टर था हवाई जहाज था इसलिए जो काम तुम 10 घंटे में से ज्यादा का फिल्म करते हो 2 घंटे में करते बात समझ में आई इससे आप पता लगा सकते हैं कि मेरा कितना समय काम करता हूं और मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता था देर हुई ये बात सही है लेकिन मजबूरी थी कुछ तो मजबूरियां भी होगी कोई बुरी भी होता नहीं है मित्रों आपका आभार व्यक्त करना था आपका अभिनंदन करना था वो मैंने कर्तव्य आज समय मिला पूरा किया इसमें मेरी अपेक्षा थी अध्यक्ष जी से कहा था कि अपने बिल्डिंग स्तर पर बिल्डिंग विचारों से एक लिस्ट बनवाए और जिन लोगों ने आखिरी तिथि काम किया है उनका भी नाम लिस्ट में हो और वो यहां पर आए मैं सबका आभार अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि देखिए आप सबका अनुभव आभार होती है कुछ कार्यकर्ता होते आज भी दो दिन लगते हमारे शूटिंग तक के समर्थक के चौराहों पे लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेते नहीं आप भी कुछ नहीं लेते तो क्या वो नहीं लेते तो आप कुछ लेते हैं लेकिन बस आखिरी दो दिन
वो ऐसे झुकते हैं जैसे उससे हम चुनाव लड़ रहे हो और वो पीछे हो जाते हैं हमारे से। एक उदाहरण कई बार मैंने बताया, मैं आप बता रहा हूँ फिर आप लोगों को, जब पहला चुनाव मैंने लड़ा तो मैं साकेत कॉलोनी के बूथ पर चुनाव वाले दिन घूमते घूमते पहुंचा।